हाँ समझ गया मैं, मैं बस आ ही रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे कृति क्या कर रही हो, मुझे लेट हो रहा है टिफिन के लिए। मुझे मुझे बस 10 मिनट, 10 मिनट में हो जाएगा। मुझे बता देती मैं हेल्प कर देता। लाओ मैं, अरे मैं कुछ नहीं करता हूं। बाबा, अरे मैं, आपका नाश्ता वहाँ पर रखा हुआ है, आप नाश्ता करिए, मैं बस 10 मिनट में खाना बना के लाई। जल्दी प्लीज, बस 10 मिनट। डॉल का नाम फियोना और इसका नाम क्या है फिर? परी। परी, अच्छा जिया बेटा फटाफट से दूध फिनिश करो। ओके, और आप नाश्ता फिनिश नहीं हुआ अभी तक? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैंने कहा था मैं तुमको मदद कर दूंगा, लेकिन तुमने मना कर दिया। अच्छा, मैं नहीं परेशान होंगी तो कौन होगा? इसको भी नाश्ता करना है। ये हमारी ऐसा नाश्ता नहीं करता, ये दाना चुपती है। नहीं, इसको हलवा पसंद है। हलवा? पापा? तुझे क्या लगा तू घर से भाग जाएगी और हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे? रामखोर, मेरी बहन को लेके भाग गया, मेरी बहन को लेके भाग गया। भैया, भैया नहीं, भैया। पूरे 6 साल से तुम लोगों को ढूंढ रहे थे, आखिर पता चल ही गया। देखिए, ये हम सब भूल जाएंगे, अब मेरी बात समझो। पापा, ये आपकी नातिन है। और आपकी भांजी है ये, आप मेरी बात सुनिए, बैठ के बात करें। ए चुप, समाज में हमारी नाक कटवा के आप सोचते हो, मैं माफ कर दूंगा। तुझे तो मैं काट डालूंगा, और तू जिसके लिए घर छोड़ के भागी थी ना, कुत्ते की मौत मरेगा तू, और तू भी। चल कपिल। जिया बेटा, तुम्हारे चिड़िया ने खाना खाया कि नहीं आज? हाँ पापा, मैंने भी खाया और चिड़िया ने भी खाया। वेरी गुड। पापा एक बात पूछो। पूछो। नाना हम लोगों से गुस्सा ही रहेंगे। नहीं बेटा, इनका गुस्सा जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो। कैसे लगता है किसी भारी चीज से बात किया गया। ये फिनाइल का बॉटल पहले से यहीं था? यस मैम। मैम, ये कीर्ति के पति रजत, इन्होंने ही सबसे पहले लाश को देखा,
इनकी एक 5 साल की बेटी है, वो फिलहाल अभी पड़ोसी के घर पर है। ये कहाँ था दिन भर? अपने ऑफिस में ही थे मैम। करीब 4 बजे अपने बेटी को लेने के लिए उसके स्कूल चले गए। दोनों एक साथ घर पर आए। मैंने कामड़े को भेजा है मैम इनके ऑफिस में कंफर्म करने के लिए। सर रजत थोड़ी हिम्मत दिखाइए, जिसने भी ये किया है वो ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। आपको किसी पे शक? 6 साल पहले जब मैं मुंबई आया था तब कीर्ति के पापा के यहाँ पे किराए पे रहता था। मेरी और कीर्ति की पहचान हुई और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन कीर्ति के पापा कोई लव मैरिज पसंद नहीं था, इसलिए हम दोनों ने भाग के शादी की और अब तक हमने ये पता नहीं चलने दिया कि हम कहाँ पे हैं। लेकिन अचानक था नहीं वो कैसे हमारे घर आ पहुँचे। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे ससुर और साले ने मिलकर तुम्हारी बीवी को मारा? कपिल ने हम दोनों को धमकी दी थी। तुझे तो मैं काट डालूंगा, और तू जिसके लिए घर छोड़ के भागी थी ना, कुत्ते की मौत मरेगा तू। ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए। यस मैम। मैडम मैंने पता किया, रजत सच बोल रहा है, वो सुबह 9 बजे से ऑफिस में ही था। अच्छा, मुझे ये ऑनर किलिंग का केस लगता है। काम करो, बाप बेटे को थाने बुलाओ। जी मैडम। कल दामाद और बेटी को धमकी दी और आज बेटी की लाश मिली है। अपनी कटी हुई नाक बेटी की जिंदगी से ज्यादा प्यारी है आपको, है ना? कितनी बेरहमी से मारा उसने। बहुत गुस्सा आया था मुझे उस पर। 6 साल से सोच रहा था जब मिलेगी ना क्या क्या सुनाऊंगा उसे। पर मैडम उसे मारने का कैसे सोच सकता था मैं? आखिर बाप था मैं उसका। ऐसे कई बाप है इस देश में जो अपने बच्चों को मारने से पहले सोचते तक नहीं। तो बाप होने का वास्ता आप ना ही दे तो अच्छा है। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस दिन दुकान पे ही था। आप चाहे तो पता कर लीजिए। आपके बेटे ने तो कहा था कुत्ते की मौत मारेगा दोनों को। मैडम माना कि कपिल गर्म दिमाग का है, लेकिन अपनी बहन को क्यों मारेगा वो? इसका जवाब तो वही देगा, कुत्ते की मौत मारेगा, यही बोला था ना तुम्हें? हाँ तो ये तो कोल्हापुरी मिसल था, तीखा लगा उसल खिलाती हूँ। मैडम मैंने कुछ नहीं किया कीर्ति को। अच्छा, तेरा बाप तो बोला था तू बहुत गर्म दिमाग है। मुकुल ये तो ठंडा निकला, काट डालेगा दोनों को, ऐसे ही बोला था ना? मैडम वो तो मैंने ऐसे बोल दिया था। देखते हैं, मुकुल मर्डर के टाइम पे इसका मोबाइल कहाँ था चेक करो। यस मैम। पापा मम्मी कब वापस आएगी? वो कभी वापस नहीं आएगी बेटा, लेकिन वो हमेशा वहां से तुम्हें देखती रहेगी। तो मैं गॉड को बोलूंगी उनको घर भेज दे। मैम कपिल के फोन के डिटेल्स मिल गए। इतना तो क्लियर है कि वो कल कीर्ति के एरिया में नहीं था। और एक चीज पता चली है मैम, ये नंबर देखिए मैम, परसों उसके फोन से इसी नंबर पर 2-3 कॉल्स और एक मैसेज गया था। ये देखिए मैम, यही मैसेज। पैसा काम खत्म होने के बाद मिलेगा, इसका मतलब है कपिल ने शायद किसी सीरियल किलर को पैसे देकर ये काम करवाया है। ये नंबर पता चला किसका है? यस मैम, एक मवाली है, सारे लोग उसे टाइगर बुलाते हैं। मारपीट करने के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। मुकुल कल सुबह चिड़ियाघर से शुरुआत करते हैं। मतलब? टाइगर को पकड़ते हैं। टाइगर किधर रहता है? एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको। टाइगर कहाँ है? नहीं है। अंदर मैडम।
यारे, तू टाइगर से एकदम भीगी बिल्ली बन गया। चला बता, कपिल ने क्या करने की सुपारी दी थी? मैडम, कपिल ने मुझे रजत नाम के आदमी को मारने के लिए बोला था। उस दिन मैंने उसका पीछा भी किया था जब वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने गया था, पर मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिला। पर उससे पहले तूने रजत की बीवी को मार डाला है ना? आई सपत मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। कपिल ने खाली मुझे रजत का सुपारी दिया था तो मैं उसकी बीवी को क्यों मारूंगा? जब मैं रजत का पीछा कर रहा था तो एक आदमी और उस पर नजर रखे था, क्या पता उसने क्या। कामले, इससे उस आदमी की डिस्क्रिप्शन लेके उसका स्केच बनवा। और तू, अगर तेरी कहानी झूठी निकली तो तू गया काम से, समझा? रजत और उसके बिल्डिंग के लोगों को यह स्केच दिखा दो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। हो मैडम। नहीं, ऐसे किसी आदमी को मैंने कभी देखा नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं कि इसी ने कीर्ति को? अभी कुछ बोल नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक मिनट मैडम। हाँ बोलिए। इस आदमी को कहीं देखा है? हाँ, इसे मैंने देखा है। कहाँ देखा है? हाँ इधर ही, रजत के घर एक दो बार आया था जब रजत घर पे नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। कितने दिन पहले? यही हफ्ते भर पहले। तो वो आदमी कीर्ति से मिलने उसके घर जाता था। लगता है मामला कुछ और ही है। हो सकता है कीर्ति का उस आदमी के साथ कुछ चक्कर चल रहा हो। पर मैडम, कीर्ति को मारने के पीछे वजह क्या हो सकती है? शायद वो ये चाहता हो कि कीर्ति रजत को छोड़ के उससे शादी करे, लेकिन कीर्ति अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उसने कीर्ति को मार डाला और अब वो रजत के पीछे पड़ा। हो सकता है मैडम, बिल्कुल हो सकता है। एक बार रजत से बात करके देखते हैं उसे इस बारे में कुछ पता है या नहीं। तुम लोग वहीं रुको, मैं आती हूँ। यस मैम। ये क्या कह रहे हो मैडम आप? कीर्ति का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा था? लग तो ऐसे ही रहा। एक आदमी आपकी बीवी से मिलने घर आता था आपकी गैर मौजूदगी में, उसका साफ साफ मतलब यही निकलता है। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लव मैरिज थी हमारी। हो सकता है उसी ने कीर्ति को मारा हो। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आप खुद को संभालिए, अपने लिए ना सही, अपने बेटी के लिए। जी। मुकुल। यस मैम। एक काम करो, कीर्ति के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ओके मैम। Yes, sir. I will. Right. मैम, कीर्ति के कॉल रिकॉर्ड में से सारे नंबर्स क्रॉस चेक किए मैंने, लेकिन एक नंबर कुछ सस्पिशियस लग रहा था। ये रहे उस नंबर के डिटेल्स।
यह नंबर भोपाल के कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसका नाम है सरफराज शेख। यहाँ पर इसकी फोटो भी है मैम। ये वही आदमी है, स्केच वाला। अब तस्वीर साफ हो गई। ये नंबर अभी भी एक्टिव है? हाँ मैम। इसे ट्रैक पे डालो, जहां भी छुपा है ढूंढ के निकालो। मैम एग्जैक्ट लोकेशन मिला? वो यही कहीं 100 मीटर की रेडियस में ही है। एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए उसे कॉल करना पड़ेगा। करो। यस मैम। हेलो। हाँ सर, मैं CNB बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ सर। सर मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया सी लोन की ऑफर है सर। नहीं चाहिए लोन। सर सुनने के पैसे नहीं है सर, एक बार आप सुन तो लीजिए, अगर पसंद ना आए तो मत लीजिएगा। मेरे जॉब का सवाल है सर, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, प्लीज। अरे बोला ना नहीं चाहिए लोन, दोबारा कॉल मत करना। मैम। यस। मिल गई लोकेशन। ग्रेट। यही लोकेशन है। सरफराज। ये सब क्या है? हमें लग रहा था कि सरफराज और कीर्ति का चक्कर चल रहा है, इसलिए उसने कीर्ति को मारा। लेकिन ये सब देख के ऐसा लगता है कि इस मामले में और भी कई गुत्थियां छुपी हैं। मैम, ये कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं है? हो सकता है। और अगर ऐसा है, तो ये सारी औरतें उसका शिकार हैं। कीर्ति को तो हम जानते हैं, ये बाकी की औरतें कौन है? हमने उसे ढूंढ ही लिया था, बस पकड़ में आते आते निकल गया, लेकिन हम जल्दी पकड़ लेंगे उसे। थैंक यू मैडम। एक और बात, उसके कमरे में हमें तुम्हारे फैमिली के फोटोज मिले। मैं बस यही कहने आई थी कि अपना और अपने बेटी का ख्याल रखना, उसका मकसद चाहे जो भी हो, उसके लिए वो तुम्हारे पीछे भी पड़ सकता है। मैं ख्याल रखूंगा। हाय जिया बेटा। हेलो। कैसे हो? ये आपने बनाया, मैं देख सकती हूँ? ये हैंडराइटिंग? ये कीर्ति की हैंडराइटिंग है। बेटा ये पेपर कहाँ से लिया तुमने? मम्मी के डायरी से। क्या मैं देख सकती हूँ डायरी? जी। थैंक यू। सॉरी बेटा। मुकुल, अब ये रियाज अहमद कौन है?
मैम ऐसा हो सकता है कीर्ति ने वो नाम ऐसे ही नोट करके रखा हो, जैसे कोई चाबी वाला या इलेक्ट्रिशियन का करता हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नाम इस केस से जुड़ा है। कौन है ये रियाज अहमद? एक काम करो, कामले से कहो बिल्डिंग के लोगों से पूछताछ करें कोई रियाज अहमद नाम के आदमी को जानता है। ओके मैम। हाँ कामले। मैडम बिल्डिंग में आपने फिर से पूछताछ करने के लिए कहा था ना? एक औरत से एक बात पता लगी है। रियाज अहमद के बारे में? नहीं मैडम, यहाँ पर उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ऊपर रहने वाली एक औरत ने बताया कि मर्डर वाले दिन ठीक 1:30 बजे उसने एक सेल्स वुमन को देखा था कृति के दरवाजे पर फिनाइल बेचते हुए। क्या हुआ है ठीक से बताओ। बताता हूँ मैडम। तुम कृति से मिलने आई हो? हाँ, मैं ग्लाइजोल कंपनी से फिनाइल बेचने आई हूँ। अच्छा, फिनाइल बेचती हूँ। हमारे घर में भी फिनाइल चाहिए था। एक काम करो, इसे देने के बाद 403 में आ जाना। ओके ठीक है। जी आ? जी, वो मैं ग्लाइजोल कंपनी से आई हूँ। उस औरत को उस फिनाइल बेचने वाले औरत की शक्ल याद है? ठीक से नहीं मैडम, सिर्फ उसे इतना याद है कि जिस बैग में फिनाइल की बोतल थी उस बैग पे न्यू गुड स्टोर का नाम लिखा था। वो दुकान पास में ही मैडम। उस दुकान में जाके पूछताछ करो कि वो फिनाइल बेचने वाले किसी औरत को जानते हैं क्या। अगर वो औरत उस दिन कीर्ति से मिली थी शायद उसे कुछ पता हो। मैडम शिरके। हो मैम। अनवर लगे उन्हें। मैडम उस औरत के बारे में कुछ और बात पता लगी है। हम सोच रहे थे कि वो फिनाइल बेचने वाली औरत है, लेकिन मामला कुछ और है। क्या मतलब? दुकान का सीसीटीवी फुटेज मैडम। मतलब इस औरत ने उस दिन फिनाइल की इतनी सारी बॉटल्स खरीदी, वो भी रिटेल में। इससे एक बात साफ होती है, इसने इतना सारा फिनाइल सिर्फ इसीलिए खरीदा था ताकि वो सेल्स वुमन बनके कीर्ति के घर में एंट्री ले सके। कमले तेरा दिखाए कहीं? दिखाया मैडम, अभी पलटेगी। मुकुल इस तस्वीर को देखो। इस लड़की की तस्वीर तो सरफराज के कमरे में थी ना? हाँ मैम। ये हो क्या रहा है? मैम मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो ये केस बहुत सिंपल लग रहा था, पर अब तो दिन ब दिन उलझते ही जा रहे हैं। एक तरफ सरफराज है और अब ये नई सस्पेक्ट। जो भी कोई है इसका कीर्ति और सरफराज के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। कामले एक काम करो, रजत को थाने बुला, देखते हैं वो इस औरत के बारे में कुछ जानता है। वो मैडम क्या हुआ? मैडम वो आदमी पकड़ा गया? नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ दिखाना है। मुकुल तुम इस औरत को जानते हो है ना? कैसे जानते हो? मैडम ये प्रेरणा है, मुंबई आने से पहले मैं सूरत में रहता था, तब हमारी मुलाकात हुई थी, हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। क्यों, क्या हो गया? मैंने देखा था तुम्हें, तुम कैसे उस लड़की को देख रहे थे। प्रेरणा मैं क्यों किसी लड़की को देखूंगा? तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। प्रेरणा मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं जानता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो? तुम नहीं सुधरोगे। फिर मुझे मुंबई में अच्छा जॉब मिला, मैंने सोचा कि यही सही मौका है प्रेरणा से पीछा छोड़ने का, उसे बिना बताए मैं यहाँ मुंबई आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे कीर्ति मिली, मैंने उससे शादी की और प्रेरणा को अपने दिलो दिमाग से हटा दिया। लेकिन वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई। मैडम आप मुझे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि प्रेरणा उस दिन आपके घर गई थी और उसके कुछ ही घंटों बाद आपको अपने बीवी की लाश मिली वहां।
प्रेरणा ने कीर्ति को मारा? लग तो यही रहा है, हम प्रेरणा को ढूंढ रहे हैं। प्रेरणा के मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था आपके घर में। कामले। वो मैडम। प्रेरणा का मिलना बहुत जरूरी है। मैडम ये भी तो हो सकता है कि अब तक वो भाग गई हो। नहीं, अगर उसने कीर्ति को मारा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे रजत वापस चाहिए। रजत को छोड़ के वो नहीं जाएगी, यहीं कहीं आसपास होगी। मैडम सरफराज का क्या? उसका और प्रेरणा का क्या कनेक्शन है वो भी सामने आ जाएगा अगर हम प्रेरणा को ढूंढ लेते हैं। हो सकता है दोनों ने साथ में मिलकर ये खून किया। फिलहाल हमें प्रेरणा पे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या बात है, होमवर्क हो रहा है? और वो भी बिना बात किए? पापा ने कहा था अगर होमवर्क नहीं फिनिश हुआ तो संडे को टीवी नहीं देखने को मिलेगा। ओह, दैट्स द रीजन। अरे वाह, ये पेन तो बड़ा अच्छा है, कब लिया? वो पापा ने आज सुबह दिया था। अनन्या तुम झूठ बोल रही हो ना? सच सच बता, कहाँ से आया ये पेन? वो मेरी फ्रेंड अपनी डेस्क पे आज भूल गई थी, मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई। वेरी बैड, किसी को बिना बताए उसकी चीज ले लेना चोरी होती है। इट्स अ क्राइम बेटा। सॉरी मम्मा, मैं कल उसे वापस दे दूंगी। दैट्स लाइक माय गर्ल। लेकिन अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी, तो अब संडे को नो टीवी। ओके ओके, एक बात याद रखना बेटा, दुनिया में कभी भी कोई गलत काम माफ नहीं होता, चाहे जल्दी हो या देर से। गलत काम करने वाले को सजा मिलती ही है, उसे कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं। पता कैसे ला? किसी को कैसे ढूंढना है ये मुझे अच्छी तरह पता है, तुम्हें तो ये पता चल ही गया होगा। बेटा मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, चले जाओ तुम यहाँ से। मतलब नहीं है तो क्यों आई फिर बीच में? तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ चुका है। अच्छा होता मैं तुम्हें मिला ही नहीं होता सूरत में। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, नाम तक जान चुकी हो मेरा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा रजत चाहिए। या गई भाड़ने मेरे और मेरे मकसद की, इसमें जो भी कोई आएगा मेरा दुश्मन है। और तुमने तो बहुत बड़ी गलती करी है प्रेरणा, बहुत बड़ी। कामले। ओ बोला, मिल गई प्रेरणा। ये फुटेज आसपास 2 बजे की है। ये गोखले रोड है ना? हाँ, रजत के घर से 5 मिनट की दूरी पर। काम होने के बाद फिनाइल की सारी बॉटल्स फेंक दी। इसके बाद पता नहीं चल रहा है कहां पर गई, लेकिन हो सकता है सावरकर मार्ग के आसपास के एरिया में गई होगी। वहां के होटल्स में पूछताछ की? नहीं, ये एरिया चेक करना बाकी है। एक काम करो, अपने सारे आदमी वहां पर ही लगा दो, किसी होटल, किसी लॉज या किसी किराए के घर पर भी हो सकती है। सर, प्रेरणा के बारे में पता लगा है सर, वो यहाँ पर होटल में रहती है। अभी इस वक्त वो कमरे के अंदर होगी। कामरे एक काम कर, तू वहीं पर रुक, मैं तुरंत मैम को बोलता हूँ। सर। कामले। ओ मैडम, ये रूम है मैडम।
हमारा अंदाजा सही निकला। शायद ये दोनों साथ में काम करते थे। प्रेरणा का मकसद तो समझ में आता है, ये सरफराज क्या चाहता है अभी तक क्लियर नहीं। इसको भी बिल्कुल उसी तरह मारा है जैसे कीर्ति को मारा गया। हो सकता है इसमें और सरफराज में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो। लेकिन मैडम एक बात समझ में नहीं आ रही है, कीर्ति ने अपने डायरी में रियाज अहमद का नाम क्यों नोट करके रखा था? कहीं ऐसा तो नहीं इस सब के पीछे उसका ही हाथ है? ऐसा लग रहा है सारे लोग उसी से जुड़े हैं। आखिर है कौन ये रियाज अहमद? टाइम बहुत कम है, चलो। पैसे लाए हो? पूरा है। क्या बात है मैडम, आपने अचानक क्यों बुला लिया? प्रेरणा का मर्डर हो गया। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि उसने कीर्ति को मारा है, फिर प्रेरणा को किसने मारा? सरफराज, वही जो तुम्हारी बीवी से मिलता था। लेकिन उन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? उसका पता हम लगा रहे हैं। रियाज अहमद नाम याद है तो तुम्हारी बीवी ने किसी कागज पे लिखा था? देखो मैडम, मैंने आपको कई बार कहा है कि मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरफराज अभी भी आजाद है और जिस तरह से उसने प्रेरणा को मारा है लगता है वो बहुत जल्दबाजी में है और अगला नंबर आपका हो सकता है। मेरा? मैंने क्या किया है मैडम? और मेरी बच्ची 5 साल की, उसने क्या किया है मैम? नहीं, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता, मुझे ही कुछ करना होगा। अभी आप जा सकती हो, कल उसे संभालने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके पैसे चाहिए, चलो। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ कोई हमें हाथ न लगा सके। चलो 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 चलो, जल्दी से कपड़े पैक करेंगे हम, बैग भरेंगे और जाएंगे। बहुत खेल खेल लिया तूने, तेरा सारा खेल खत्म। मेरे पापा को मत मारो। चल अंदर। सर, थैंक यू मैम, सही टाइम पे आई हो, वरना ये प्रेरणा और कीर्ति की तरह हम भी मारता। सही टाइम पे तो आना ही था मिस्टर रजत। उर्फ रियाज अहमद। पापा, पापा, पापा। 2014 मुंबई का नकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 2010 रजत इनामदार के नाम से नकली पेपर्स। और 2009 रियाज अहमद, तेरी असली पहचान। क्योंकि 2010 से पहले रजत इनामदार का कोई अस्तित्व था ही नहीं। रेना के डेड बॉडी के पास मुझे एक चीज मिली, एक पेपर का टुकड़ा, बार बार फोल्ड किया हुआ, और मैं समझ गई कि तुम वहां गए थे, क्योंकि तुम्हारी ये आदत मैंने बहुत पहले ही नोटिस की थी। रियाज अहमद, जुर्म कभी छुपता नहीं। भोपाल में एक लड़की का मर्डर हुआ था,
सादिया नाम था उसका, वो मर्डर तुमने किया था। सादिया सरफराज की बहन थी और उसी का बदला लेने वो भोपाल से सूरत और सूरत से मुंबई आया था तुम्हें ढूंढते हुए। क्यों सरफराज? सादिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी, बोल रही थी कि शादी करनी पड़ी, क्योंकि शादी वादी नहीं करनी थी मुझे, और पढ़ाई करनी थी, अच्छी नौकरी करनी थी, पैसा कमाना था, मान ही नहीं रही थी। मार दिया उसको। कुछ समय बाद मैंने अपनी नई पहचान बनाई और नई जिंदगी शुरू की मैंने। मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहता था, नौकरी, पैसा, सब कुछ। कुछ साल बाद सूरत गया तो मुझे प्रेरणा मिली, और मुंबई में आने के बाद कीर्ति। कीर्ति मेरे लिए सही थी, शादी कर दी मैंने कीर्ति से। और सरफराज बदला लेने की धुन में खुद कानून के खिलाफ चला गया। और क्या चारा था मेरे पास? पुलिस तो इसे ढूंढ नहीं पाई, 10 साल लगे, फिर भी पक्का यकीन नहीं था कि ये रियाज अहमदी है, इसलिए मैंने कीर्ति से मिलकर उसे सब कुछ बताया। पहले उसने यकीन नहीं किया, फिर मेरे सच बताने पर वो सच जानने को मान गई। लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मेरा इरादा रियाज अहमद को मारने का है। और फिर कीर्ति को एक ऐसी चीज हाथ लगी जो मैंने उसे सालों से छुपा कर रखी थी, मेरी असली पहचान। उसी दौरान प्रेरणा मुझे ढूंढते यहां आ गई थी। उसने मुझे सरफराज के बारे में बताया, क्योंकि सरफराज भी मुझे ढूंढते सूरत पहुंचा था और वो प्रेरणा से मिला था। तब मैं समझ गया, कीर्ति और सरफराज मिलके मेरे खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने कीर्ति को मारने का प्लान बनाया। मैंने प्रेरणा को झांसा दिया कि अगर कीर्ति उसके रास्ते से हट जाती है तो मैं उसका बन जाऊंगा। सबके बीच कीर्ति के पिता और भाई कहां से आए? प्रेरणा अगर पकड़ी जाती तो वो मेरा नाम लेती। मुझे पुलिस का ध्यान कहीं और भटकाना था, इसलिए मैंने प्रेरणा से फोन करवा के कपिल को हमारे घर का एड्रेस बता दिया, ताकि वो अगले दिन आके हमारे घर में तमाशा करे। तो सबको यही लगी कि कपिल ने अपने बहन को मरवाया। अच्छा प्लान। अगले दिन मेरे कहने पे प्रेरणा ने कीर्ति को मार डाला। जब पुलिस को प्रेरणा के बारे में पता चला तो मुझे प्रेरणा को भी मारना पड़ा कि मेरा नाम सामने ना आए। तो टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे लिए और एक बना, मैं आता हूं। सब हुआ क्योंकि एक इंसान अपना जुर्म छुपाने के लिए भागता रहा और एक बदले के लिए। सरफराज, इंसाफ मिलने के लिए पुलिस पे भरोसा करना बहुत जरूरी है, याद रखना। सिर्फ आंख बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा हो जाता तो रात की कभी जरूरत नहीं होती। जुर्म करने के बावजूद रियाज जैसा मुजरिम बच निकलता तो पुलिस और कानून की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन ऐसा है नहीं। किया हुआ जुर्म कभी ना कभी घूम कर वापस आता ही है, देर से ही सही लेकिन उसकी सजा मिलती ही है, जैसे रियाज को मिली। हम सबको इस बात को समझ लेना बहुत ही जरूरी है।
लेकिन सरफराज की तरह कानून को हाथ में लेकर खुद इंसाफ करना यह भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, और जुर्म का जवाब जुर्म से कभी नहीं दिया जा सकता। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें सावधान रहने की और कानून पे भरोसा करने की जरूरत है। मैं PI प्राजक्ता भोसले फिर से लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।